बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटन पुलाव। तो चलें शुरू करते हैं। 2 ग्लास मैंने चावल ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज बारीक काट लिया है, 1 टमाटर, और इधर कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और मैंने इधर 6 से 7 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली हैं। सबसे पहले हम मटन को डालेंगे प्रेशर में और इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम देंगे। इधर मैंने कुछ मसाले डाले हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, लहसुन, खुश्क धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। 1 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगी। और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। मटन हमारा रेडी हो गया है। 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें प्याज डालेंगे और इसको ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले भी डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हरी मिर्च भी डाल देंगे। मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे और बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। मटन पुलाव हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।